एक विकसित भारत बनाने के लिए क्या स्वप्न देखते हैं, उसके उसके स्वप्न का विकसित भारत कैसा है, उसके लिए प्लेटफॉर्म यानी कि विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग। अभी मैंने आपका आपको ऑब्जेक्टिव बनाया बताया, बट हम उसको कैसे करेंगे, कैसे कार्यक्रम के रूप में हम इस डायलॉग को आयोजित करेंगे। तो हमने कहा तो हाउ विल वी डू इट, कैसे कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। आयोजित करने के लिए आइडेंटिफाई एग्जाम्पली यंग विजनरीज फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। इस कॉम्पिटिशन में, इस कार्यक्रम में हम देश के कोने कोने से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से लेके असम अरुणाचल प्रदेश के सभी युवाओं को इस कार्यक्रम में जोड़ना चाहते हैं। कैसे जोड़े, गिव दिस टैलेंट एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर विजन बिफोर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो देश के कोने कोने से देश के यूथ को हम अपने आइडिया शेयर करने के लिए, अपनी बात करने के लिए दिल्ली में 2 दिन का कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में एक देश के युवा अलग अलग थीम के द्वारा आएंगे। कौन सी थीम से आएंगे, तो उसके लिए मैं आपके सामने विषय रखना चाहता हूं कि हम 2 पात्र तय कराए। एक देश में विकसित भारत चैलेंज कंपटीशन आयोजित करके, विकसित भारत चैलेंज की कंपटीशन हम कैसे करेंगे ताकि देश के कोने कोने से यूथ उसमें पार्टिसिपेट कर सके। उसमें माय भारत प्लेटफॉर्म पर आके देश के यूथ क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसे में पार्टिसिपेट करेंगे एंड विजन डेक पर वो अपनी बात रखेंगे। एक चैलेंज कंपटीशन से एक वर्टिकल निकलेगा, उसकी संख्या होगी 1500 से नीरेस्ट। जो कंपटीशन से पास होके, चैलेंज से पास होके देश के कोने कोने से यूथ माय भारत प्लेटफॉर्म से क्विज में पार्टिसिपेट करके वहां आएंगे। दूसरा 1000 यूथ, वो सभी स्टेट में यूथ फेस्टिवल होता है, कल्चरल यूथ फेस्टिवल होता है, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर अलग अलग एक्टिविटी होती है, उसमें से जो निकल के आएंगे वो 1000 में होंगे। और 500 ऐसे पाथ ब्रेकर यूथ होंगे जो देश में कुछ ऐसी एक्टिविटी में जुड़ा हुआ हो, या तो देश के यूथ आइकॉन के रूप में हमारे सामने उभरे हुए हो, ऐसे 500 यूथ आएंगे। कुल मिला के 2 दिन के लिए देश के 3000 यूथ भारत मंडपम में आएंगे। भारत मंडपम में आने के बाद उसको वहां 2 दिन का सेशन रहेगा, अलग अलग सेशन रहेगा, उसमें ग्लोबल एंड नेशनल आइकॉन उसमें उपस्थित रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और वहां अलग 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 कंपटीशन से देश से आए हुए हमारे टैलेंट विकसित भारत के लिए अपना आइडिया रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, अपने स्वप्न को साझा करेंगे। ये पार्ट में हम उसको आगे ले जाएंगे। दूसरा, विकसित भारत 2047 एग्जीबिशन रहेगा वहां पर दिल्ली में, एक भारत मंडपम में 2 दिन के कार्यक्रम में एक अच्छा एग्जीबिशन रहेगा। उसमें स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगी विकसित भारत के लिए, उसके यूथ, उसके आइडियाज, उसके विचार, अलग अलग मिनिस्ट्री विकसित भारत के लिए क्या कर रही है उसके लिए भी
वहां एग्जीबिशन आयोजित किया जाएगा, विकसित भारत कल्चरल एग्जीबिशन सेलिब्रेटिंग आवर हेरिटेज, हेरिटेज के साथ जोड़ के देश के विविध कल्चर को दिखाते हुए इवेंट भी होगी, कल्चरल फेस्टिवल एक्टिविटी होगी एक ही प्लेटफॉर्म पर, ये माय भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। अभी दो बात आपके मन में क्लियर हुई, एक इस बार यंग लीडर डायलॉग के रूप में नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जाएगा। नेशनल यूथ फेस्टिवल में भाग देश के कोने कोने से यूथ लेंगे, पार्टिसिपेशन के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर आयोजित चैलेंज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना होगा, स्टेट लेवल के यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना होगा, उसमें से कंपटीशन में पास होते 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 हुए 3000 यूथ वो भारत मंडपम में आएंगे। दो दिन के डायलॉग में नेशनल और इंटरनेशनल आइकॉन लोग, व्यक्ति विशेष लोग के साथ उसको संवाद करने का अवसर मिलेगा, प्रधानमंत्री जी के साथ उसको संवाद करने का अवसर मिलेगा, वहां एग्जीबिशन होगा, वहां हेरिटेज कल्चरल एग्जीबिशन होगा, और जो चैलेंज कैसी की जाएगी, चैलेंज एक्टिविटी कैसी होगी, तो उसमें फर्स्ट स्टेज में हम विकसित भारत क्विज करेंगे 25 नवंबर 2024 टू 5 दिसंबर 2024, यानी कि 25 से 5-10 दिन के लिए देश के यूथ माय भारत प्लेटफॉर्म पर आए और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और विकसित भारत के लिए वो अपना कंट्रीब्यूशन दे, या तो विकसित भारत के लिए जो कंपटीशन हुई है उसमें पार्टिसिपेट करके वो नेशनल लेवल की कंपटीशन में भी आए और प्रधानमंत्री जी के सामने अपना विषय या तो अपना विचार को साझा करें।